हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्टून्स। मैं निधि, जैसे कि हम लोग क्लास सेवन्थ की साइंस का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें हमने लास्ट टॉपिक किया था डाइजेशन इन द स्टमक। तो अब हम इसे आगे का टॉपिक कवर अप करेंगे। इससे आगे हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एसिमिलेशन, इजेशन और रूमिनेंट्स। और आज में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे, मतलब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है सेकंड चैप्टर का, वो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। नहीं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शामिल है, आप उधर से भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए, अब हम बिना कोई देरी किए अपना पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब इसमें ये बताया गया है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। इसमें वो बोल रहा है, As the food leaves your stomach, little by little, it enters a long winding tube below it called the small intestine. The last steps of digestion take place here. अब वो यहाँ पे ये कह रहा है, जब हमारे खाना स्टमक से धीरे 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 एक लॉन्ग वाइंडिंग ट्यूब में जाता है। लॉन्ग वाइंडिंग ट्यूब मतलब जिसका जिक्र ऊपर भी हुआ था, एक बड़ी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जब वो जाता है तो उसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। मतलब वो जो लॉन्ग वाइंडिंग ट्यूब होती है ना, उसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और जो डाइजेशन का लास्ट स्टेप होता है ना, वो सारा कुछ इसी के अंदर होता है, ठीक है? इसके बाद आप ये देखिए, यहाँ पे एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम गिवन है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें ये देखिए, यहाँ पे आपको सबसे टॉप पे इसके माउथ की तरफ शो किया गया है, माउथ और सलाइवरी ग्लैंड। अब इसमें क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो हम माउथ के थ्रू करते हैं। पहले हम माउथ में अपना खाना रखते हैं, उसे बाइट करते हैं, च्यू करते हैं। माउथ के अंदर ही ये सब कुछ होता है प्रोसेस। माउथ के अंदर ही हम अपने खाने को बाइट करते हैं, च्यू करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स पर उसमें क्या करते हैं, सलाइवा ऐड ऑन कर देते हैं, जिससे वो हमारा स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, उसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि वो ईजिली हम लोग अपने ईसोफेगस तक ले जा सके। ईसोफेगस, ये देखिए, ईसोफेगस एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे स्टमक वगैरह की तरफ जाता है, ठीक है ना? और यहीं पे ये ईसोफेगस और माउथ के बीच में जो आपको ये दिख रहा होगा छोटा सा स्ट्रक्चर जिसके नीचे वाइट वाइट भी है, ये आपका होता है ट्रैकिया और फेरिनिक्स। क्या होता है? ट्रैकिया और फेरिनिक्स। इसमें मेंशन नहीं है, आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये नीचे देखिए, यहाँ पर लीवर बता रखा है। लीवर कौन सा होता है? रेड कलर का ये जो है, ये लीवर है। ये ग्रीन कलर का आपका गॉल ब्लैडर है। ये जे शेप बैग जो है, ये आपका स्टमक है। उसके नीचे ये लाइट ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है, ये आपका पैनक्रियाज है। फिर स्टमक के नीचे ये आपको मोटी मोटी ट्यूब दिख रही है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये वाइंडिंग ट्यूब है, ये यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस, ठीक है ना? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। माउथ से खाना गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से धीरे 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 गया लीवर में, लीवर से पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज से गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से स्टमक में, स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से एनस, ओके? तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे वो क्या कह रहा है? आगे वो कह रहा है, द मसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स फूड विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। सम जूसेज आर सिक्रेटेड बाई द सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ, अदर कम फ्रॉम द लीवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी एंड द पैनक्रियास दैट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब उसमें ये कह रहा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जितनी भी मसल्स होती हैं, वो खाने को मिक्स कर देती हैं डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, और भी ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। और कुछ जूसेस ऐसे होते हैं जो कि ना स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है? और बाकी कहाँ से आते हैं? लीवर से आते हैं, जो कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। फिर उसके बाद होता है पैनक्रियाज से आते हैं। पैनक्रियाज हमारे स्टमक के नीचे ही होता है जस्ट। पैनक्रियाज से क्या आता है? पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है ना? आगे वो कह रहा है, द लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। द बाइल ब्रेक्स ऑफ फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब मोर इजीली। अब वो ये कह रहा है, जो लीवर होता है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो कि ना कहाँ स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। फिर जो बाइल होता है, बाइल जूस जो होता है,
वो ना फैट्स को ब्रेक कर देते छोटी 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 ड्रॉपलेट्स में, जो कि ना इजीली डाइजेस्ट हो सके और एब्जॉर्ब हो सके. द डाइजेस्टिव जूसेस देन एक्ट ऑन दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म सिंपलर कंपाउंड्स नोन एज फैटी एसिड्स एंड ग्लाइस्ट्रॉल. हाँ, वो ये कह रहा है जो कि डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, वो कैसे एक्ट करते हैं फिर उन टाइनी ड्रॉपलेट्स पे? वो ऐसे एक्ट करते हैं कि जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती है ना, उन्हें वो सिंपलर कंपाउंड्स में फॉर्म कर देते हैं, जैसे कि फैटी एसिड्स और ग्लाइस्ट्रॉल में. ठीक है, उससे वो क्या फाइंड क्या बना लेता है, फैटी एसिड्स और ग्लाइस्ट्रॉल. फिर उसके बाद क्या होता है, द पैनक्रियाटिक जूस दैट चेंजेस स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स एंड प्रोटीन्स इनटू सिंपलर कंपाउंड्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स. अब वो ये कह रहा है उसके बाद क्या होता है, जो पैनक्रियाज होता है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जो कि क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर और प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है सिंपलर कंपाउंड्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड. ठीक है, अब फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे एक लीवर का डायग्राम है. लीवर ये देखिए, लीवर हमारा ऐसा सा होता है जिसे हम लीवर बोलते हैं. इसके ऊपर आप ये ब्लू पाइप देखेंगे तो ये ब्लू पाइप होती है हमारी हेपेटिक वेन. उसके अंदर आप ये पर्पल स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, लाइनिंग सी होती है हमारी पोर्टल वेन, हेपेटिक वेन या आर्टरी दे रखी है यहाँ पे ग्रीन कलर में. उसके बाद ये बिल्कुल ग्रीन कलर की जो पाइपिंग है ये है कॉमन बाइल डक्ट. उसके बाद ये रेड रेड आपको दिख रहा होगा, ये है आपका गॉल ब्लैडर. ओके, ये आपका लीवर का स्ट्रक्चर होता है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. तो चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं. इसमें है, द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स थ्रू द थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब उसमें वो ये कह रहा है कि जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू. और ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है ये किसके थ्रू किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना विलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है. विली मीन्स स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में, उसके थ्रू ये सब किया जाता है. इनर वॉल क्या करती है, वो विलाई की लेयर ये सारा जो एब्जॉर्ब कर लेती है डाइजेस्टेड फूड को. ठीक है, दीज प्रोजेक्शंस नॉन एज विलाई. इन प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, विलाई. विलाई इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्ट फूड. अब विलाई क्या करती है, विलाई ना सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का. क्या कर देती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है. ईच विलाई हैज़ अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज क्लोज टू द सरफेस. अब जो जितनी भी एक विलाई जो यहाँ पे लिखा है ना, एक सिंगुलर वर्ड है और विलाई प्लूरल वर्ड. अब हर विलाई क्या करती है, एक ना नेटवर्क बना लेती है फाइन ब्लड कैपिलरीज का, जो कि ना सरफेस से क्लोज होती है. क्या होती है, सरफेस से क्लोज होती है. वी फाइन अब द फूड एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द विलाइज पासिस इन टू द ब्लड इन द कैपिलरीज. फिर जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना विलाइज के सरफेस से, वो ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ब्लड में, ब्लड की कैपिलरीज में. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको विलाई का स्ट्रक्चर है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये देखिए, ये लेयर ऑफ विलाई है और उसमें जो ये ऊपर आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपकी विलाई होती है. ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या होता है, द फूड एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब वो ये कह रहे हैं जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में, वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में. ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन. इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड मटीरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज. अब वो ये कह रहा है इसे फिर किस यूज़ में लिया जाता है, इसे एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज़ किया जाता है, और तो और जो ग्रोथ मटीरियल्स होते हैं बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करने के मटीरियल होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है. ग्रोथ टिश्यूज़ मतलब वही होता है जो कि आपकी हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं. ठीक है, बॉडी टिश्यूज़ रिपेयर करना मतलब प्लेटलेट्स बढ़ाना. प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स वही होते हैं जैसे जो आपने देखा होगा चोट लग जाती है तो उसके ऊपर पपड़ी सी जम जाती है, ब्राउन ब्राउन सी, फिर वो पपड़ी सी जम जाती है, थोड़े टाइम बाद वो आपकी चोट ठीक हो जाती है. वो होता है रिपेयरिंग ऑफ बॉडी टिश्यूज़. ओके, नहीं तो कई बार किसी के जैसे फ्रैक्चर हो जाता है या हम बोलते हैं ना मांस फट गया, वो भी ठीक होता है, तो उसे भी हम रिपेयरिंग ऑफ बॉडी टिश्यूज़ बोलते हैं. ठीक है, दिस इज़ द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड इज़ नोन एज एसिमिलेशन. ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस का बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन.
ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोवाइड एनर्जी। अब वो यही कह रहे हैं जो ग्लूकोज होता है वो सेल्स में ब्रोक डाउन कर दिया जाता है, किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में होती है, एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है ना, क्या करते हैं जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इन द सेंस जो हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ है उसका ग्लूकोज जो बना है उसे सेल्स के अंदर ब्रोकन डाउन कर दिया जाता है, किसकी मदद से? जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसकी मदद से फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अमीनो एसिड्स आर यूज फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल आर स्टोर्ड अंडर द स्किन एंड एक्सेस एनर्जी रिजर्व्स। अब वो ये कह रहे हैं जो अमीनो एसिड होता है वो बिल्डिंग और रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट में मदद करता है, ठीक है ना, और जो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल होता है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, हमारी स्किन के अंदर, और एनर्जी रिजर्व्स के तौर पर वो एक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इजेशन। इजेशन क्या होता है? नॉट ऑल द फूड येट यू ईट इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। वो ये कह रहे हैं जितना खाना तुम खाते हो वो ज़रूरी नहीं है कि सारा खाना डाइजेस्ट हो जाए और एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, The food that cannot be digested moves from the small intestine into a wide tube called the large intestine. अब वो ये कह रहा है जो खाना digested नहीं हुआ होता, absorb नहीं हुआ होता, नहीं हो सकता वो आगे और digest, तो वो small intestine से wide tube में चला जाता है। small intestine तो जैसे आपकी small winding tube थी, long winding tube, और जो large intestine होती है उसे wide tube बोला जाता है। क्यों? क्योंकि small intestine पतला होता है, लार्ज इंटेस्टाइन मोटा होता है। ठीक है ना, हेयर मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द वेस्ट इज एब्जॉर्ब। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जितना भी खाने में पानी प्रेजेंट होता है ना, मतलब जो खाना वेस्ट हो चुका हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा उसके अंदर जितना भी पानी होता है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देन द वेस्ट फूड विच इज नाउ ऑलमोस्ट सॉलिड इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम। वो ये कह रहे हैं जो वेस्ट फूड होता है जो कि अब बिल्कुल सॉलिड की फॉर्म में होता है, यूजलेस होता है, वो कहाँ स्टोर कर दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, उधर वो स्टोर कर दिया जाता है। इट इज़ देन पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। फिर उसके बाद वो बॉडी से बाहर चला जाता है, किसके थ्रू? एनस के थ्रू। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फैक्ट गिवन है, ठीक है ना, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉलर इन डायामीटर बट लॉन्गर इन लेंथ about 7 meters, then the large intestine about 1.5 meters. अब वो ये कह रहे हैं कि जो small intestine होता है ना वो large intestine से diameter में तो छोटा होता है लेकिन length में लंबा होता है। क्या होता है? लंबा। क्यों? क्योंकि जो small intestine होता है वो होता है 7 meters का और जो large intestine होता है वो होता है 1.5 meters का। ठीक है ना, अब आगे हमारा last topic आता है ruminants। रूमिनेंट क्या होता है? रूमिनेंट्स आर हूव प्लांट ईटिंग एनिमल्स दैट डाइजेस्ट देयर फूड इन टू स्टेप्स। अब जो रूमिनेंट्स होते हैं ना वो ऐसे जानवर होते हैं जो कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं और हूव्ड होते हैं। हूव्ड इन द सेंस, आपने कैमल देखा है? कैमल के ऊपर एक ऊंची सी चीज़ होती है जिसके अंदर वो अपना पानी भी स्टोर करके रखता है जिसे बोलते हैं, उसे हम हूव बोलते हैं, हूव लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे में जितने भी जानवर होते हैं ना, जैसे कि आपका काओ, बफेलो, ऑक्स, ऑक्सन और बुल, कैमल, हॉर्स, ये जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं ना, इन्हें मतलब ये जितने भी एनिमल्स होते हैं इन्हें हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। ये अपना खाना दो स्टेप्स में डाइजेस्ट करते हैं। सम एग्जांपल्स आर काउस, बुफेलोस, कोर्ट्स, शीप्स एंड बाइसन। ये देखिए इसमें रूमिनेंट्स के एग्जांपल आ गए, काउस, बुफेलोस, कोर्ट्स, शीप एंड बाइसन। ठीक है ना, दे हैव कॉम्प्लिकेटेड स्टमक कंसिस्टिंग ऑफ 4 चैम्बर्स। इन जानवरों के पास क्या होता है? बहुत ही ना कॉम्प्लिकेटेड स्टमक होता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टमक मतलब इनका जो पेट होता है ना उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं खाना डाइजेस्ट होने के। ठीक है ना, जैसे हमारे स्टमक में तो गिनती का एक ही चैम्बर होता है, पूरा एक ही बैग होता है वो, लेकिन इनके स्टमक में 4 बैग होते हैं, 4 चैम्बर बने हुए होते हैं। ठीक है, आगे वो कह रहा है, फूड डैट इज स्वैलोड गोज इनटू द फर्स्ट चैम्बर कॉल्ड द रूमेन, हियर इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड कॉल्ड कर्ड। वो ये कह रहा है हमारे मतलब जो ये रूमिनेंट्स होते हैं ना, वो जो खाना निकलते हैं ना वो पहले चैम्बर में जाता है जिसे हम बोलते हैं रूमेन, उधर ये पार्शियली डाइजेस्टेड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्ड। इट देन गोज टू द सेकेंड चैम्बर फ्रॉम वेयर इट इज रिटर्न टू द माउथ फॉर थ्रू च्यूइंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। अब वो ये कह रहा है उसके बाद जो जानवर खाना खाते हैं
वो फर्स्ट चैम्बर के बच जाते हैं सेकेंड चैम्बर में, जहाँ की वो क्या होता है वो वापस माउथ की तरफ रिटर्न हो जाता है, वो मतलब वापस मुंह में चला जाता है। किस लिए? थोरो च्यूइंग, मतलब अच्छे से चबाने के लिए। इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रूमिनेशन। डैट्स वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। इसी वजह से ये जो एनिमल्स होते हैं क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। आफ्टर च्यूइंग द फूड इज स्वैलोड फॉर ए सेकेंड टाइम एंड देन डाइजेस्टेड फर्दर इन द रिमेनिंग चैम्बर्स, इट इज़ फाइनली सेंड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट अकर्स। अब उसके बाद क्या होता है, च्यूइंग करने के बाद जो खाना होता है ना वो फाइनली सेकेंड टाइम निकला जाता है और बाकी जो दो चैम्बर होते हैं उनमें वो डाइजेस्ट कर दिया जाता है और फिर फाइनली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है जहाँ के वो न्यूट्रिएंट्स का बाकी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, पहले ये जानवर खाना निगल लेते हैं, खाना निगलने के बाद वो दोबारा उनके मुंह में आ जाता है चबाने के लिए और ज़्यादा, फिर वो दोबारा निगलते हैं उसे, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे काओ का फिगर गिवन है, ये देखिए इसका स्टमक देखिए आप, ये पूरा ये स्टमक है और यहाँ पे ये रूमेन शो कर रखा है, ठीक है, और माउथ से एक पाइप आता है स्टमक की तरफ डायरेक्ट, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स गिवन है वो हम पढ़ लेते हैं। पहला वर्ड है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है, ये हमने अमीबा में पढ़ा था, फॉल्स फीट ऑफ अमीबा विच इट यूजेस टू एनगल्फ फूड। अब ये अमीबा का फॉल्स फीट होता है, मतलब अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसका जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है ये वो होता है जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है, फूड को एनगल्फ करने के लिए, ओके। उसके बाद आता है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या होता है, च्यूइंग फूड टू ब्रेक इट इंटू स्मॉल पीसेज, मतलब खाने को इस तरह चबाना कि वो स्मॉल पीसेज में ब्रेक हो जाए, ठीक है। फिर आ जाते हैं रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया, प्लांट ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट देयर फूड इंटू स्टेप्स, ऐसे प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो अपना खाना दो स्टेप्स में डाइजेस्ट करते हैं। फिर आ जाते हैं विलाई। विलाई क्या होता है, स्मॉल प्रोजेक्शंस इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विलाई ऐसी स्मॉल प्रोजेक्शंस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में जो कि खाने डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक फ्लो चार्ट गिवन है इस चैप्टर को ईजिली समझने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, प्रोसेस दे रखा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस का। पहले होता है इंजेशन। इंजेशन किसके थ्रू होता है, माउथ के थ्रू होता है। फिर उसके बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन टेक्स प्लेस इन माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, इन तीन जगहों पर हमारा डाइजेशन होता है। उसके बाद हो जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद गिवन है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन अकर्स इन द सेल्स ऑफ बॉडी। एसिमिलेशन कहाँ होता है, हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उनमें। उसके बाद आ जाता है इजेशन। इजेशन थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, उधर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर उसके बाद वो रेक्टम में जाता है। रेक्टम में जाने के बाद एनस में जाता है, देखिए, ठीक है। आई बात आपको समझ में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कैसे होता है, पहले इंजेशन माउथ के थ्रू, फिर डाइजेशन स्टमक माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, फिर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, एसिमिलेशन सेल्स ऑफ द बॉडी के थ्रू, डाइजेशन आपका लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम और एनस के थ्रू। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। सो हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश हो जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 3 में, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में। तो सब तक के लिए बाय, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स बाय।